हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हीमोपोएटिक सिस्टम में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। प्लाज्मा को डिटेल में देख लिया है हमने, आरबीसी को देख लिया है, डब्ल्यूबीसी को देख लिया है और प्लेटलेट्स को, उसको भी मैंने कवर करा दिया था। लास्ट लेक्चर जो आपको मैंने प्रोवाइड किया था उसमें मैंने प्लेटलेट्स को भी पूरा कवर कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि आपके सामने ये जो कैमरा चल रहा है इसमें तो वो शूट हो गया, लेकिन आईपैड में उसकी शूटिंग पता नहीं क्या हुआ, रुक गई। मैंने पूरा प्लेटलेट्स भी कवर कर दिया था, है ना। तो अब पता नहीं, अब यहाँ तो शूट हो गया था कैमरे में, लेकिन ये जो आईपैड है इसमें पता नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो वो वाला जो टॉपिक वो रह गया है। तो मैं क्या करूँगा उसको मैं क्या करूँगा, जॉन्डिस या एनीमिया पढ़ाऊंगा, उसी में करीबन 5-10 मिनट का टॉपिक है तो वहाँ पर कवर कर दूंगा, या तो फिर मैं 10 मिनट का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर मान लो जॉन्डिस या एनीमिया वाला टॉपिक उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, प्लेटलेट्स का एक अलग टॉपिक बना दूंगा, ठीक है। तो उसके आप टेंशन मत लीजिए, उसको मैं कवर करा दूंगा। हालांकि वो इतना कठिन नहीं है, आप अगर नोट्स को पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसको कवर करा दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, अब ना आज के इस लेक्चर से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या है, हीमोपोएसिस। हम देखेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो कि हम पढ़ के आए हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस बोलते हैं। हीमोपोएसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोएसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हीमोपोएसिस प्रोसेस जो होती है, ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, रेड बोन मेरो में होता है। रेड बोन मेरो जो होता है वो बोन मेरो क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है, और यहीं पर क्या होता है, सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह की प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, और इस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से ही, जिसमें क्या होता है, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है, दूसरी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है। और इससे क्या होता है, फिर जितने भी ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पर कि एरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कैसा होता है, ल्यूकोपोएसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसा होता है, थ्रोम्बोपोएसिस मतलब प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन, जिसको हम आज की इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। साथ में मैं आपको ल्यूकोपोएसिस भी बता दूंगा और थ्रोम्बोपोएसिस भी आज के इस लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो हीमोपोएसिस का पूरा टॉपिक है आज के इस लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब देखो हीमोपोएसिस जो टॉपिक है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बोन मेरो क्या होता है। तो चलिए हम बोन मेरो को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मैं बोन मेरो से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जहाँ पर क्या होता है, हीमोपोएसिस की प्रोसेस होती है। तो देखो, अगर हम बोन मेरो की बात करते हैं तो बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो की अगर हम बात करते हैं तो बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो इज अ माइलोइड टिश्यू। बोन मेरो क्या है, बोन मेरो इज अ माइलोइड टिश्यू, इसे माइलोइड टिश्यू भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बोन, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कैविटी ऑफ बोन में प्रेजेंट होती है ना। और बोन मेरो के अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो तरह की बोन मेरो आपको दिखाई देती है, एक तो क्या होता है रेड बोन मेरो और दूसरा आपको येलो बोन मेरो, दो तरह की बोन मेरो होती है, ठीक है। देखो, और रेड बोन मेरो जो होता है क्या होता है, बोन मेरो का क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है, यानी क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है ना, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, रेड बोन मेरो में। अगर मैं येलो बोन मेरो की बात करता हूँ, येलो बोन मेरो जो होता है ये क्या होता है, इनएक्टिव बोन मेरो होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं करता है। यहाँ पर मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है, जो किसका प्रोडक्शन करती है, फैट का प्रोडक्शन करती है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है, और साथ में बोन्स का भी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बोन मेरो जो होता है दो तरह का होता है, येलो बोन मेरो होता है, दूसरा क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है, ठीक है। तो एकदम क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, बोन मेरो का। चलो, अब मैं
थोड़ा सा इसका डिटेल मैं आपको बतलाता हूँ बोन मैरो को, ठीक है। तो देखिए बोन मैरो जो होता है वह साइट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पर क्या होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और बोन मैरो भी कौन सी बोन मैरो, रेड बोन मैरो, यहाँ पर क्या होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम फिटल लाइफ की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करें फिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो फिटल लाइफ में क्या होता है, फिटल लाइफ में क्या होता है ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो तीन स्टेज में होता है। कितने स्टेज में होता है, तीन स्टेजेस में होता है। आप बस ध्यान से सुनते जाइए, है ना, आप बस ध्यान से सुनते जाइए, धीरे 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 आपका पूरा जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। और मैं आपको जब नोट्स बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं, अरे तो कितना आसान है, आप बस मैं आपको जो बता रहा ना उसको बस ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि फिटल लाइफ में क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो तीन स्टेज में होता है। पहली स्टेज की अगर मैं बात करूँ, पहली स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो पहली स्टेज जो होता है वो क्या होता है, मीसोब्लास्टिक स्टेज। कौन सी स्टेज, मीसोब्लास्टिक स्टेज। और इस मीसोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है, मीसोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है कि ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, योक सेक में होता है। कहाँ पर, योक सेक ऑफ एम्ब्रायो, योक सेक ऑफ एम्ब्रायो। और ये कब होता है, ये कब होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के 2 मंथ में। इंट्रा यूटेराइन के जो पहले के 2 मंथ होते हैं उसमें क्या होता है ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, योक सेक में होता है, है ना, योग सेक में। योग सेक में क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है, इससे ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीसोब्लास्टिक स्टेज। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो होता है वो क्या होता है, हिपेटिक स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है, हिपेटिक स्टेज, मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ के 3 मंथ में। 3 मंथ के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर में होता है और कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है। कहाँ पर होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा स्टेज जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइलोइड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, माइलोइड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो माइलॉइड स्टेज की बात करते हैं तो माइलॉइड स्टेज में क्या होता है ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, फिटल लाइफ में 3 स्टेज आपको दिखाई देती है जहाँ पर क्या होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन एट द एज ऑफ 20 मतलब क्या होता है, जब उसका क्या होता है, जो चिल्ड्रन या बेबी है उसका जब क्या होता है, जन्म हो जाने से लेकर एट द एज ऑफ 20 तक क्या होता है कि जितनी भी बॉडी की जितनी भी बोन्स है ना, बस ध्यान से सुनते जाओ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा रेड बोन मैरो क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है, इसलिए मैं आपको इतनी कहानी सुना रहा हूँ ना। तो मैं क्या बोला, मैंने बोला कि एट एज ऑफ 20 मतलब 20 एज तक चिल्ड्रन की जब तक क्या होती है 20 एज हो जाती है तब तक क्या होता है कि बॉडी की जितनी भी बोन्स होती है ना, चाहे वो एक्सियल स्केलेटन हो चाहे वो अपेंडिकुलर स्केलेटन हो, सब में क्या होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है ना। तो क्या बोला मैंने, एट द एज ऑफ ट्वेंटी क्या होता है, ऑल द बोन्स ऑफ बॉडी इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें रेड बोन मैरो होता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल द बोन्स किसमें इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एट एज ऑफ 20 एज तक क्या हो जाता है चिल्ड्रन की, कि जितनी भी बोन्स होती है बॉडी की वो क्या करती है ब्लड सेल्स बनाती है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 मतलब आफ्टर 20 एज 20 साल के बाद क्या होता है कि ओनली एक्सियल स्केलेटन एंड क्या हो जाएगा प्रोक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस
प्रोक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, एंड फीमर में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड का, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। बाकी की जो बोन्स होती है, जैसे कि बात करते हैं साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, यहाँ पर क्या होता है कि जो बोन मेरो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि बोन मेरो जो होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, किसका, और ये जो इनएक्टिव बोन मेरो जो होता है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, येलो बोन मेरो बोल देते हैं। इनएक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, और फैट का डिपोजिशन हो जाने के कारण ये क्या करता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव बोन मेरो या येलो बोन मेरो बोल देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि फिटल लाइफ की बात करते हैं, तो फिटल लाइफ में क्या होता है, तीन स्टेजेस होती है, जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एट द एज ऑफ 20 क्या होता है कि बॉडी की जितनी भी बोन्स होती है वो क्या करती है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 मतलब 20 साल के बाद क्या होता है कि सिर्फ आपका एक्सोस्केलेटन में क्या आ जाएगा, आपका स्कल आ जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, स्टर्नम आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, रिब्स आ जाएंगी, फिर क्या हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, है ना, मतलब जितने भी मेम्ब्रेनस बोन होती है वही क्या करती है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। और साथ में ये मान लो क्या, ह्यूमरस हो गया और फीमर हो गया, इसका प्रोक्सिमल एंड जो होता है ना, वो क्या करता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। लेकिन बाकी अगर हम बात करते हैं कि ब्लड सेल का जो साफ्ट हो गया, है ना, साफ्ट हो गया, इसमें क्या होता है कि जो बोन मेरो होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, येलो बोन मेरो बोल देते हैं, जो कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से बोन मेरो जो होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो क्या होता है रेड बोन मेरो, और दूसरा क्या हो जाता है, येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो में क्या होता है, हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और येलो बोन मेरो की हम बात करते हैं, येलो बोन मेरो में क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है, है ना, जो कि क्या करती है, फैट का प्रोडक्शन करती है। और यहाँ पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिस कारण ये बोन मेरो जो होती है, क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, और ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेड बोन मेरो क्या होता है और येलो बोन मेरो क्या होता है। फिर से आपको मैं शॉर्ट टर्म बता देता हूँ कि रेड बोन मेरो जो होता है वह पार्ट होता है जो कि कहाँ पर होता है, कैविटी ऑफ बोन प्रेजेंट होता है, या एडल्ट स्टेज की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जितने भी मेम्ब्रेनस बोन होती है, मतलब एक्सल स्केलेटन, और अपर एंड जो होता है इसका, ह्यूमरस का और फीमर का, यहाँ पर क्या होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, एक्टिव पार्ट होता है बोन का, जहाँ पर हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करती है, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करती है, है ना। और येलो बोन मेरो की बात करते हैं तो क्या होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है बोन मेरो का, जो कि क्या करता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं करता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, और इस फैट के डिपोजिशन हो जाने के कारण ही इसे हम क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव बोन मेरो बोल देते हैं, और इस इनएक्टिव बोन मेरो को हम क्या बोल देते हैं, येलो बोन मेरो बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बोन मेरो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब हम, मैं आपको जो लिख कर आया ना वही आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि बोन मेरो क्या होता है, येलो बोन मेरो क्या होता है, रेड बोन मेरो क्या होता है, और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आप, अब आपको क्या होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अब मैं आपको नोट्स पढ़ के बताऊंगा ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखो मैं ऐसा क्यों करता हूँ पता है, ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि आप जब नोट्स रीडिंग करने जाओ ना, तो आपके दिमाग में सारी बातें पहले से ही फिक्स हो, और आप रीडिंग करते जाओ तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा आपको मैं एकदम मटेरियल जो भी होता है पूरा बता देता हूँ, उसके बाद मैं नोट्स पढ़ता हूँ। तो आपको यहाँ पर दो बेनिफिट होता है, एक तो ये कि आपको समझ में आ जाता है कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और फिर एक बार कब बताता हूँ, जब मैं नोट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये पढ़ाने का तरीका है। चलो तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि बोन मेरो क्या है, बोन मेरो अल्सो नोन एज माइलोइड टिश्यू, इसे माइलोइड टिश्यू भी बोलते हैं, इज कन्फाइंड इन द कैविटी ऑफ बोन, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बोन की कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एट बर्थ, मैंने क्या बोला था,
ये तो नहीं बताया मैंने, आपको बता देता हूँ। देखो एट बर्थ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बोन मैरो कितना होता है 70 ml होता है ना। ओनली विच रिचेस अबाउट 4 liter इन एडल्ट, मतलब बर्थ के समय क्या होता है बोन मैरो जो होता है वो कितना होता है 70 ml होता है। लेकिन जब क्या होता है एडल्ट आप होते हो तो उसमें क्या होता है कि बोन मैरो जो होता है कितना होता है 4 liter हो जाता है इसका वॉल्यूम, है ना। इन एडल्ट्स की बात करते हैं तो RBC, WBC या मैनी प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेड बोन मेरो में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है ना। फिटस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था फिटस में क्या होता है, ब्लड सेल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द लीवर एंड स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन में, जिसे हमने हिपेटिक स्टेज बोला था। एंड इन एडल्ट सच एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस में ऑकर इन डिसीज इन विच द बोन मेरो बिकम्स डिस्ट्रॉइड और फाइब्रोस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि फेटल लाइफ में क्या होता है, फेटल लाइफ में क्या होता है कि RBC का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी होता है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर हम फेटल लाइफ या इंट्रा यूटेराइन लाइफ की फर्स्ट मंथ की बात करते हैं या सेकंड मंथ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, योग सेक में भी क्या होता है RBC का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में क्या होता है RBC का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, रेड बोन मेरो में होता है ना, या बोन मेरो में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो बोन मेरो होती है क्या होती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और इसके डिस्ट्रक्शन हो जाने के कारण आपको एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस देखने को मिलता है जो कि कहाँ पर होता है, लीवर में होता है ना। और ये कब देखने को मिलेगा, जब आपके बोन मेरो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, है ना। तो आपकी बोन मेरो अगर मान लो फाइब्रोस्ट या डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो यहाँ पर फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस आपको देखने को मिलता है जो कि कहाँ पर होता है, लीवर में। मतलब उस केस में फिर क्या होता है, लीवर जो होता है क्या करता है, आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है अगर मान लो आपकी बोन मेरो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन वहाँ पर होता है तो, ठीक है। चलिए तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ना। अब देखो इन चिल्ड्रन, अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना, चिल्ड्रन में ब्लड सेल्स आर एक्टिवली प्रोड्यूस्ड इन द मेरो कैविटीज ऑफ ऑल बोन्स। मैंने आपको बताया था ना कि 20 साल की जब तक एज होती है ना, या चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी की सारी बोन्स होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है ना। बाय द एज ऑफ 20, मतलब 20 के बाद क्या होता है, मेरो इन द कैविटीज ऑफ द लॉन्ग बोन एक्सेप्ट फॉर द अपर ह्यूमरस एंड फीमर हैज बिकम इनएक्टिव। तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बाय द एज ऑफ 20 के बाद क्या हो जाता है कि जो मेरो होती है किसकी, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अपर या प्रोक्सिमल एंड जो होता है ह्यूमरस का, प्रोक्सिमल एंड जो होता है किसका, फीमर का, है ना, और आपके एक्सियल स्केलेटन को छोड़कर बाकी सब बोन्स का जो बोन मेरो होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, येलो बोन मेरो का फॉर्मेशन कर देता है, है ना, जहाँ पर क्या होता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो एक्टिव सेलुलर मेरो इसे हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो बोलते हैं। इनएक्टिव मेरो जो होता है जो कि क्या होता है, जहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, येलो बोन मेरो बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी है, अब आपको समझ में आ रहा है ना, येलो बोन मेरो क्या होता है, रेड बोन मेरो क्या होता है। तो रेड बोन मेरो जो होता है बोन मेरो का क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है जहाँ पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और येलो बोन मेरो जो होता है यहाँ पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है कि इनएक्टिव पार्ट हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते, देखिए वही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है रेड बोन मेरो की। रेड बोन मेरो कंसिस्ट ऑफ अ डेलिकेट हाईली वास्कुलराइज्ड फाइब्रस टिश्यू कंटेनिंग हेमटोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड दिस आर ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स। मैंने आपको बताया था कि जो रेड बोन मेरो जो होती क्या होती है, हाईली वास्कुलराइज्ड होती है ना, जहाँ पर क्या होता है, हेमटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। और जो हेमटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, है ना। अगर मैं इस हेमटोपोएटिक स्टेम सेल्स की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं इस हेमटोपोएटिक स्टेम सेल्स की बात करता हूँ जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, रेड बोन मेरो में प्रेजेंट होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है पता है, ये प्लूरीपोटेंट सेल होती है। ये क्या होती है, प्लूरीपोटेंट सेल होती है, क्या होती है, प्लूरीपोटेंट सेल होती है, जिसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, रिन्यूअल, ये क्या होती है, रिन्यू हो जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन, दूसरी क्या होती है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब ये डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन करती है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो मान लो क्या है आपकी, मान लो एक स्टेम सेल है ना, ये क्या होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती है, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। देखो तो क्या होता है,
इसमें क्या होता है एसिमेट्रिकल, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण क्या होता है यहाँ पर दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक सेल्स तो क्या होती है, एक सेल्स तो जो होती है वो आगे जाकर क्या कर देती है, आगे जाकर क्या कर देती है अनकमिटेड अनकमिटेड या अनकमिटेड हेमेटोपोएटिक प्लूरीपोटेंट सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि आगे जाके फिर डिफ्रेंशिएट होकर WBC RBC या प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। और दूसरी दूसरी जो होती है, दूसरी क्या होती है, ये अपनी ही सेल का फॉर्मेशन करती है ताकि इसका जो नंबर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो इस तरह से ये क्या होता है रिन्यूअल केस में क्या होती है प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी यहाँ पर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएट होकर अलग अलग ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और रिन्यू मतलब ये अपनी जैसी एक और सेल का फॉर्मेशन करती है ताकि इसका जो नंबर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए तो आप देखें यहाँ पर येलो बोन मैरो क्या होता है, येलो बोन मैरो कंटेन मेसेनकाइमल सेल्स ऑल्सो नोन एज मेरोस्टेम सेल्स, जिसे हम मेरोस्टेम सेल्स भी बोलते हैं। दिस प्रोड्यूसेस फैट, ये क्या करती है फैट कार्टिलेज और बोन का प्रोडक्शन करती है। और स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो स्टेम सेल्स क्या होता है, स्टेम सेल्स आर इमेच्योर सेल्स, ये क्या होती है इमेच्योर सेल्स होती है, दैट कैन टर्न अप इनटू अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो क्या होती है डिफरेंशिएट होती है और डिफरेंशिएट होकर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इस स्टेम सेल से WBC का भी फॉर्मेशन हो सकता है, RBC का भी फॉर्मेशन हो सकता है, प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे होगा तो हम आगे इसी टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं कि बोन मेरो का कंपोजिशन, कि बोन मेरो में क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखो तो अगर मैं येलो बोन मेरो की बात करूं तो 80% इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, 15% वाटर होता है और 5% यहाँ पर प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर मैं रेड बोन मेरो की बात करता हूँ तो 40% लिपिड होता है इसमें, है ना, 40% वाटर होता है और 20% इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं सेलुलर एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि येलो बोन मेरो में क्या होता है फैट का डिपोजिशन होता है, और रेड बोन मेरो में क्या होता है हेमेटोपोएटिक सेल्स प्रेजेंट होती है और यहाँ पर कुछ मात्रा में फैट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। वस्कुलराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये लेस वस्कुलराइज होती है, और रेड बोन मेरो जो होता है ये होती है मोर वस्कुलराइज होती है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो येलो बोन मेरो आपको कहाँ पर दिखाई देती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जो प्रोक्सिमल एंड होता है ह्यूमरस का, प्रोक्सिमल एंड होता है फीमर का, इसको छोड़कर बाकी पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या प्रेजेंट होता है, इसकी कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। वही अगर हम रेड मेरो की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन, जैसे की बात करते हैं स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो यहाँ पर इसके जो कैविटी होती है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही पार्ट जो होता है क्या करता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है आफ्टर द एज ऑफ 20। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हीमोपोएसिस। तो हीमोपोएसिस जैसे कि मैंने आपको बताया, हीमोपोएसिस का मतलब क्या होता है, हीमोपोएसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हीमोपोएसिस बोल देते हैं। अगर हम आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इराइथ्रोपोएसिस। और अगर हम डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की बात करें, इसके प्रोसेस की बात करें, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं ल्यूकोपोएसिस। क्या बोल देते हैं, ल्यूकोपोएसिस। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। समझ में आ रहा है, ऐसे ही सुनते जा रहे हो, समझ में आना ही चाहिए, इतना अच्छे से पढ़ा ही रहा हूँ जो मैं, है ना। तो देखो आरबीसी की जो फॉर्मेशन जो होता है इसके प्रोसेस क्या बोलते हैं, इराइथ्रोपोएसिस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, देखो थोड़ा आपको मैं जो मैंने बताया उसको मैं पढ़ के बाँच के सुना देता हूँ आपको। देखो तो हीमोपोएसिस क्या होता है, हीमोपोएसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो इराइथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं ल्यूकोपोएसिस, प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो मेगाकेरियोसाइटोपोएसिस, या इसको हम थ्रोम्बोपोएसिस भी बोल देते हैं ना, आर इंक्लूडेड इन हीमोपोएसिस। ठीक,
देखो अब क्या होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो हिमोपोइसिस कैसे होता है ना, इधर आओ देखो हिमोपोइसिस कैसे होता है आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हिमोपोइसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है, आफ्टर द एज ऑफ 20 या एट द एज ऑफ 20 की बात करते हैं तो ये जो हिमोपोइसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, बोन मेरो में होता है। कहाँ पर होता है, रेड बोन मेरो में, है ना, रेड बोन मेरो। कहाँ पर होता है, रेड बोन मेरो, है ना। रेड बोन मेरो में सेल प्रेजेंट होती है, कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। कौन सी, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, है ना। ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है शुरुआत में तो कैसे होती है, अनकमिटेड होती है। कैसे होती है, अनकमिटेड, अनकमिटेड कैसे होती है, अनकमिटेड। आप बस सुनते जाओ, मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो क्या होता है, अनकमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, अनकमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, है ना, अनकमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। अब जो अनकमिटेड स्टेम, इसको अनकमिटेड क्या बोला, इसको अनकमिटेड इसलिए बोला कि आगे जाकर ये WBC का भी फॉर्मेशन कर सकती है, RBC का भी फॉर्मेशन कर सकती है, प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन कर सकती है, इसीलिए इसे हमने क्या बोल दिया, अनकमिटेड बोल दिया, ठीक है। अब अनकमिटेड होके, अनकमिटेड होके क्या होती है, ये डिफ्रेंशिएट होती है और डिफ्रेंशिएट होके किसका फॉर्मेशन करती है, कमिटेड, किसका फॉर्मेशन करती है, ये कमिटेड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, कमिटेड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। इस तरह से किसका फॉर्मेशन करती है, कमिटेड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब जो कमिटेड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है। एक तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो क्या हो जाएगी, लिम्फोइड, लिम्फोइड स्टेम सेल, एक तो क्या हो जाएगी, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, है ना। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। दूसरी क्या हो जाती है, कॉलोनी, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टो, ब्लास्टोसाइट, है ना। अब जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होती है वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होके किसका फॉर्मेशन करती है, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। और ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जो होती है आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, आगे जाकर ये माइलॉइड, किसका फॉर्मेशन करती है, माइलॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। माइलॉइड सेल बोले तो माइलॉइड सेल वह सेल होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है, जो किसका फॉर्मेशन करती है, या ऐसा बोल दो कि लिम्फोइड स्टेम सेल्स को जोड़कर बाकी सारी सेल्स जो होती है वो क्या होती है, माइलॉइड सेल्स होती है, जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, ग्रेनुलोसाइट्स का, मोनोसाइट्स का और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है आपकी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए देखिए अब यहाँ पर आइए, देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर कहाँ थे हम, यहाँ पर आ गए थे ना। तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर बोन मैरो सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वह सेल्स होती है जो कैपेबल होती है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, है ना। दे डिफरेंशिएट इनटू वन और अदर टाइप ऑफ कमिटेड स्टेम सेल्स। मैंने आपको बताया था ना कि जो पहले क्या होता है, ये अनकमिटेड होती है ना, अनकमिटेड होती है, फिर ये क्या होती है, कमिटेड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है डिफरेंशिएट होकर, है ना। दिस इन टर्न फॉर्म द वेरियस डिफरेंशिएटेड टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। फिर बाद में क्या होता है, जो कमिटेड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है क्या होती है, अलग 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 ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अलग अलग बोले तो RBC हो गया, WBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, है ना। तो देखिए आप, देखिए अब वही स्टेप जो मैं आपको बताया था ना उसको फिर से यहाँ पर चार्ट में बदलाता हूँ आपको मैं। देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है, अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिसे हम PHSC भी बोलते हैं, ये किसका फॉर्मेशन करती है, कमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो कमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स दो तरह की होती है, एक तो क्या हो जाएगी, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, दूसरी क्या हो जाएगी, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। अगर मैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स की बात करता हूँ तो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करती है,
लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। किसका? लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। और अगर मैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स की बात करता हूँ, तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? माइलॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। माइलॉइड सेल बोले तो क्या हो जाएगा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, जीएम बोले तो ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और क्या हो जाएगा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, ई बोले तो इरेथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, एम बोले तो मेगा कैरियोसाइट। और ये तीनों माइलॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है किससे? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से। अगर मैं माइलॉइड सेल किसकी बात करूँ? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम की बात करूँ, तो आगे जाकर ये क्या बनाती है? आगे जाकर क्या बनाती है? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है ना। और अगर मैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स की बात करता हूँ, तो आगे जाकर क्या करती है? आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। अगर मैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम की बात करता हूँ, तो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करती है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, कि जो हेमेटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है, अलग अलग क्या करती है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिटेल में इराइथ्रोपोसिस की प्रोसेस को देखेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी की प्रोसेस को देखेंगे, फिर प्लेटलेट्स को देखेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह इराइथ्रोपोसिस, मतलब कैसे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए आ जाओ, तो देखिए आप, द ब्लड सेल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्रोजेनिटर सेल्स फॉर ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड माइलॉइड सेल्स। मैंने आपको बताया ना कि ग्रेनुलोसाइट्स हो गया, है ना, मोनोसाइट हो गया, फिर आपकी आरबीसी हो गई, फिर आपकी प्लेटलेट्स हो गई। इनसे मतलब जिन भी सेल से इनका फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइलॉइड सेल बोलते हैं ना। द ब्लड सेल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोजेनिटर सेल्स लिम्फोसाइट्स, और जिससे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फोइड स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे अपन? लिम्फोइड स्टेम सेल बोलते हैं ना। तो देखो, हाँ, अब देखो एक चीज यहाँ पर है, देखो क्या होता है, हमने क्या बोला कि जो रेड बोन मेरो होती है, उसमें जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है वो क्या करती है? आरबीसी का भी फॉर्मेशन करती है और डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन करती है ना। तो अगर मैं जितने भी जो स्टेम सेल्स हैं, अगर उसकी मैं बात करूं, तो उनमें से क्या होता है, 75% स्टेम सेल्स जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है। और अगर मैं 25% स्टेम सेल्स की बात करता हूं, तो 25% स्टेम सेल्स जो होती है किसका फॉर्मेशन करती है? वो आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें, तो आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है। आरबीसी का नंबर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि आरबीसी की बात करते हैं, तो आरबीसी का जो नंबर होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? ऑल द ब्लड सेल्स के लगभग बराबर ही होता है ना। 5.5 मिलियन इतनी आरबीसी प्रेजेंट होती है, और इसका नंबर जो होता है लगभग जितने भी ब्लड सेल्स है ना उसके एकदम बराबर होता है ना। तो आप ये बोलोगे कि हाँ, पर सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स जो वो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कर रही है, और आरबीसी का प्रोडक्शन तो सिर्फ 25% स्टेम सेल्स हो रहा है। फिर भी यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी इतनी ज़्यादा क्यों है ना? तो इसका रीज़न क्या है कि देखो, डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। अब चूंकि इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है, जिस कारण क्या होता है कि 75% स्टेम सेल्स जो होती है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है डब्ल्यूबीसी को बनाने के लिए, ताकि इनका नंबर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो यही इसका रीजन है। इसलिए क्या होता है, 75% स्टेम सेल्स जो होती है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कम होता है, जिसके नंबर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स जो होती है वो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करती है, एज कम्पेयर टू आरबीसी, है ना, ठीक है। चलिए, तो वही यहाँ पर लिखा हो, देखिए, ऑलमोस्ट 75% ऑफ सेल्स इन द बोन मेरो बिलोंग्स टू डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसिंग माइलॉइड सीरीज। मतलब ऑलमोस्ट बोन मेरो की जो स्टेम सेल्स होती है वो सबसे ज्यादा किसका फॉर्मेशन करती है, वो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है। और ओनली 25% जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं, तो ये तो हमने क्या देख लिया, हेमोपोएसिस देख लिया कि किस तरह से डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है ना। फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा मैं। देखो, रेड बोन मेरो में क्या होता है,
अनकमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है ये डिफ्रेंशिएट होकर किसका फॉर्मेशन करती है, कमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब जो कमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वो दो टाइप की सेल बनाती है, एक तो क्या जाएगा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो आके जाकर लिम्फोसाइट बनाएगा और माइलॉइड स्टेम सेल्स, और माइलॉइड स्टेम सेल्स से ही क्या हो जाता है किसका फॉर्मेशन हो जाता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का फॉर्मेशन किससे होता है, सीएफयूई से होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। अगर मैं किसकी बात करता हूं प्लेटलेट्स की बात करता हूं सीएफयूएम से फॉर्मेशन होता है, सीएफयूएम माइलॉइड सेल से है ना। और अगर मैं किसकी बात करूं मैं ग्रेनुलोसाइट्स की बात करता हूं है ना, तो या मोनोसाइट्स की बात करता हूं तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, सीएफयूजीएम मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, इससे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या करेंगे एराइथ्रोपोइसिस को, ल्यूकोपोइसिस को और थ्रोम्बोपोइसिस जो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे है ना। देखो लेक्चर का लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन मेरे को ये टॉपिक पूरा खत्म करना है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे मैं लास्ट लेक्चर जो था ना उसको मैंने करीबन मैंने उसको भी 40-50 मिनट तक शूट किया था, आपको शायद 30 मिनट का मिला होगा लेकिन 40-45 मिनट तक उसको मैंने शूट किया था। लेकिन क्या करें इस आईपैड में वो शूट ही नहीं हो पाया था, मतलब थोड़ा बहुत शूट हो गया था, बाकी पता नहीं क्या हुआ कि अपने आप जो रिकॉर्डिंग थी वो रुक गई थी, इसमें तो शूट हो रहा था लेकिन इसमें नहीं शूट हुआ था। ठीक है, तो जिस कारण में वो टॉपिक मिस हो गया, मतलब बस मैं बोलते जा रहा था बाजते जा रहा था लेकिन पर क्या हुआ यहाँ तो शूट ही नहीं हुआ, तो फिर उसलिए वो थोड़ा आपको टॉपिक मतलब आपको सिर्फ कहाँ तक मिला है उसमें अपना आरबीसी का ही पोर्शन मिला है, मतलब क्या टॉपिक किया था मतलब शुरुआत का टॉपिक आपको मिला है। ठीक है, चलिए देखो तो हम बात करते किसी एराइथ्रोपोइसिस की बात करते हैं ना। देखो एराइथ्रोपोइसिस क्या होता है, एराइथ्रोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं, मतलब आरबीसी की प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं एराइथ्रोपोइसिस बोल देते हैं। एराइथ्रो का मतलब क्या होता है रेड या आरबीसी बोल लो, और पोइसिस की अगर बात करते हैं तो पोइसिस का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं है ना। द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ एराइथ्रोसाइट्स इसको हम क्या बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ऑर्गन्स जो आरबीसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं इसको एराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। हार्मोन्स जो स्टिमुलेट करते हैं एराइथ्रोपोइसिस को हम क्या बोलते हैं एराइथ्रोपोएटिन हार्मोन बोल देते हैं। एराइथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है किससे सिंथेसाइज होता है, किडनी से सिंथेसाइज होता है, कुछ अमाउंट जो होता है लिटिल क्वांटिटी में लीवर के द्वारा भी सिंथेसाइज होता है। सबसे पहली आरबीसी योग सेक में बनती है, और एम्ब्रायनिक लाइफ की अगर बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, प्लेसेंटा में होता है और थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है तो आपको चीजें याद होना चाहिए कि एम्ब्रायनिक लाइफ में कहाँ कहाँ या कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं वो आरबीसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एडल्ट स्टेज की बात करते हैं तो आरबीसी प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है रेड बोन मेरो में होता है। और हार्मोन्स जो होता है जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो क्या हो जाएगा एराइथ्रोपोएटिन हार्मोन जो कि किडनी से निकलता है, और थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। कमिटेड स्टेम सेल्स मैंने आपको बताया था कि कमिटेड स्टेम सेल्स जिससे क्या होता है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं सीएफयूई बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराइथ्रोसाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको स्टेजेस ऑफ आरबीसी, ये तो जनरल बात थी जिसलिए मैंने थोड़ा स्पीड हाई रखा है ना, आप ये मत बोलने की फटाफट बता गए है ना। तो देखो क्या हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है ना। अब हम क्या देखेंगे आरबीसी के फॉर्मेशन के क्या क्या स्टेजेस हैं। तो देखिए अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम वो पढ़ रहे थे हिमोपोइटिस ये हिमेटोपोइसिस, इससे पहले हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बोन मेरम क्या होता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है जो कि अनकमिटेड होती है, अनकमिटेड से डिफ्रेंशिएट होकर किसका फॉर्मेशन करती है कमिटेड हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है कमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो कमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वो माइलॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और वह माइलॉइड सेल्स जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं सीएफयूई, उसे हम क्या बोल देते हैं सीएफयूई बोल देते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये जो सीएफयूई जो होता है ना सीएफयूई जो होती है वो क्या करती है डिफरेंशिएट होती है, और डिफरेंशिएट होकर किसका फॉर्मेशन करती है प्रो एराइथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। किसका प्रो एराइथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है ठीक है।
और अगर मैं प्रो एरेथ्रोब्लास्ट से अगर मैं अब ध्यान से सुनते जाना है ना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ मैं अब यहाँ से। तो देखो तो क्या होता है प्रो एरेथ्रोब्लास्ट ना, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट की स्टेज से टू मैच्योर आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कितनी स्टेजेस होती है, सिक्स स्टेजेस होती है। जैसे कि बात करते हैं, देखिए आपको बताता हूँ, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट सबसे पहले क्या होगा, अर्ली एरेथ्रोब्लास्ट पहली स्टेज ये होगी, है ना। दूसरी स्टेज क्या जाएगी, अर्ली एरेथ्रोब्लास्ट क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट एरेथ्रोब्लास्ट दूसरी स्टेज ये हो गई, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट से क्या बन जाएगा, लेट तीसरा, और लेट से क्या बन जाएगा, रेटिकुलो चौथा, और रेटिकुलो से क्या बन जाएगा आपका, मैच्योर, ठीक है। तो इस तरह से देखो पहली स्टेज तो क्या हो गई, एक मिनट, तो वहाँ प्रो एरेथ्रोब्लास्ट यहाँ तक कितनी स्टेज होती है, सिक्स। पहली स्टेज में क्या होता है प्रो एरेथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, दूसरी में प्रो एरेथ्रोब्लास्ट अर्ली, तीसरी में इंटरमीडिएट का, चौथी में लेट एरेथ्रोब्लास्ट का, पांचवें रेटिकुलोसाइट, और छठे में क्या होता है, एरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कितनी स्टेज होती है, 6 स्टेजेस होती है ना। अब देखो अब क्या होता है, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल होती है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब 20 माइक्रोन डायमीटर होता है सेल का, है ना। यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें आपको क्या होता है, 2 to 3 दो या 2 से 3 आपको यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, न्यूक्लियोलस दिखाई देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, 2 से 3 आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और 2 से 3 आपको यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। प्रो एरेथ्रोब्लास्ट की बात करते हैं तो अब क्या होता है, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है, डिजाइंड होता है, और किसमें कन्वर्ट होता है, अर्ली एरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं अर्ली एरेथ्रोब्लास्ट की बात करता हूँ तो अर्ली एरेथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और जो क्रोमेटिन जो होता है ना, क्रोमेटिन का जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। तो क्रोमेटिन जो होते हैं ना, क्या होते हैं, क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अर्ली एरेथ्रोब्लास्ट से कौन सा स्टेज आता है, इंटरमीडिएट एरेथ्रोब्लास्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, अपियर हो जाता है, है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपको दिखाई देने लगता है यहाँ पर, है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेज क्या आता है आपका, लेट एरेथ्रोब्लास्ट की बात करते हैं तो लेट एरेथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, रेटिकुलोसाइट मतलब लेट एरेथ्रोब्लास्ट क्या बनता है, रेटिकुलोसाइट की बात करते हैं में क्या होता है, आपको एक नेटवर्क दिखाई देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलम बोलते हैं। अब ये नेटवर्क किसका होता है, देखो क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनका जो रेमनेंट्स होता है वो क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, जो कि आपको रेटिकुलोसाइट, इसलिए इसको रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, जो कि इस स्टेज में आपको दिखाई देता है, जिस स्टेज में आपको क्या होता है, नेटवर्क दिखाई दे, है ना, आरबीसी के फॉर्मेशन की स्टेज में, जिस स्टेज में आपको क्या दिखाई दे, ये जो नेटवर्क दिखाई दे, जाल आपको दिखाई देता है, और जाल किसके होते पता है, ऑर्गेनिल्स को जो रेमनेंट्स होते हैं ना उसके जाल होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट बोल देते हैं या रेटिकुलम बोल देते हैं, ठीक है, इस स्टेज को। और फिर क्या होता है, रेटिकुलोसाइट से लास्ट में क्या हो जाता है कि जो मैच्योर आरबीसी उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पर क्या होती है, बाई कॉन्केविटी अटेंड कर लेती है, और कैसे हो जाती है, एरेथ्रोसाइट जो होते हैं क्या होते हैं, मैच्योर आरबीसी बोलते हैं। और इस तरह से, है ना, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, 6 स्टेजेस आपको आरबीसी के फॉर्मेशन में आपको दिखाई देते हैं, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट लगाकर कहाँ तक, एरेथ्रोसाइट तक, है ना। और टोटल आरबीसी प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है आपको, 7 डेज लगता है, जिसमें से शुरुआत के 5 दिन जो होते हैं वो
किससे लगते हैं, रेटिकुलोसाइट बनने तक, रेटिकुलोसाइट बनने तक, रेटिकुलोसाइट बनने तक कितना टाइम लगता है आपको, 5 दिन लगता है। फिर रेटिकुलोसाइट से मेजर आरबीसी बनने तक आपको 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इस तरह से टोटल दिन आरबीसी का फॉर्मेशन में कितने लगते हैं, 7 डेज लगते हैं ना। तो देखिए आप यहाँ पर, तो देखो एक बार फिर आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो स्टेम सेल्स होती है जो क्या बनाती है, CFU E सेल बनाती है। अब CFU E सेल से क्या होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट का, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट, इंटरमीडिएट से फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इंटरमीडिएट से फिर लेट एरिथ्रोब्लास्ट का, लेट एरिथ्रोब्लास्ट से फिर रेटिकुलोसाइट का, रेटिकुलोसाइट से फिर किसका, मेजर आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 स्टेजेस आपको आरबीसी के फॉर्मेशन में, एरिथ्रोपोइसिस में देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि आरबीसी के प्रोडक्शन में कितना समय लगता है, तो 7 दिन लगता है ना। इसको रेटिकुलोसाइट से मेच्योर आरबीसी बनने में कितना टाइम लगता है, तो 2 दिन लगता है ना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, न्यूक्लियस कब आपको डिसअपीयर हो जाती है ना, हीमोग्लोबिन कब अपीयर होता है, रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है ना, ये सारी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं क्या होता है, पता होना चाहिए। तो देखिए आप, मैं आपके लिए यहाँ पर क्या लाया हूँ, एक टेबल भी लाया हूँ। देखिए आप यहाँ पर आपके लिए मैं एक टेबल भी लाया हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में इसका जो साइज होता है क्या होता है, बड़ा होता है, कितना, 20 डायमीटर होता है ना। यहाँ पर आपको क्या होते हैं, न्यूक्लियस दिखाई देता है और न्यूक्लियस में आपको 2 से ज़्यादा आपको यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, न्यूक्लियोलाई दिखाई देते हैं और आपको क्रोमेटिन नेटवर्क भी दिखाई देता है ना। और इसका अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो कैसा होता है, बेसोफिलिक, मतलब आप बेसिक क्राइसिस से एक्सटेंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, दिखाई नहीं देता लेकिन स्टार्ट हो जाता है ना। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसमें क्या होता है, फिर जो सेल होता है उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, कितना, 15 माइक्रोन डायमीटर है ना। न्यूक्लियोलाई क्या होती है, इसमें क्या होती है, देखो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, न्यूक्लियर डिसअपियर, मतलब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलाई होती है क्या, तो डिसअपियर हो जाती है ना। डेंस क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है कैसे होता है, थोड़ा डेंस हो जाता है, और इससे भी आप क्या कर सकते हैं, बेसिक डाइस से एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर क्या होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट इससे जाता है, डायमीटर फिर क्या होता है, छोटा हो जाता है, साइज फिर छोटा हो जाता है, कितना, 10 से 12 माइक्रोन हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है फिर कंडेंस होने लगता है, और ज़्यादा कंडेंस होता है ना। और पॉलीक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक मतलब इसको एसिड डाई और एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों से आप स्टेंड कर सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपको दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर अपेयर होने लगता है, इस कारण आप क्या कर सकते हैं, इसे एसिडिक डाई या बेसिक डाई दोनों से स्टेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लेट नॉर्मोब्लास्ट, इसमें फिर क्या होता है, फिर साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है, कितना, 8 से 10 माइक्रोन हो जाता है, स्मॉल विथ वेरी मच कंडेंस क्रोमेटिन। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है बाय काइनोसिस प्रोसेस से, और इससे आप क्या कर सकते हैं, एसिडिक डाई से, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बन गया है, तो इसे आप क्या कर सकते, सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं। फिर रेटिकुलोसाइट्स की बात करते हैं, फिर यहाँ पर साइज कम होता है, कितना, 7 से 7.5 माइक्रोन हो जाता है, और न्यूक्लियस यहाँ पर अब्सेंट हो जाते हैं। तो किसमें, देखो न्यूक्लियस डिसअपियर बाय लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाती है, और न्यूक्लियस यहाँ पर अब्सेंट रहती है, किसमें, रेटिकुलोसाइट में। फिर स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसको आप बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, और रेटिकुलम यहाँ पर, देखो तो जितने भी क्या होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनके जाल आपके यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलम बोलते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो जहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ से निकल कर कहाँ पर आती है, कैपिलरी में आ जाती है आरबीसी, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, मेच्योर आरबीसी, तो उसको फिर रेटिकुलोसाइट से मेच्योर आरबीसी बनने में 2 दिन लगते हैं, और इसमें क्या होता है, रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाता है, और सेल जो होती है क्या होती है, बाइकॉनकेविटी, कुछ इस तरह से बाइकॉनकेविटी को अटेंड कर लेती है ना, कुछ इस तरह से क्या कर लेती है, इस तरह से क्या होती है, बाइकॉनकेविटी को अटेंड कर लेती है ना, इसको हम क्या होते हैं, मेच्योर आरपीसी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रेटिकुलोसाइट जो होता है या नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, अपसेट हो जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको हीमोग्लोबिन का अमाउंट दिखाई देता है ना। तो इस तरह से आपको टोटल दिन कितने लगते हैं आरपीसी के फॉर्मेशन में, 7 दिन लगते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं देखिए आप एक और डायग्राम, हाँ अब देखो आपके लिए यहाँ पर एक और टेबल लेकर आया हूँ मैं, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर नेसेसरी होते हैं, यह टेबल को आप याद कर लेना। देखो तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर कौन से, हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो आरबीसी की मात्रा क्या होती है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, और फिर हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, और विटामिन B3, B6, C, D, E, ये सब क्या करते हैं आरबीसी की
प्रोडक्शन के जो प्रोसेस होते हैं उसे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ना। उसके बाद मैच्योरेशन मतलब आरबीसी के मैच्योर होने के जो फैक्टर होते हैं, विटामिन B12, इंटेंसिव फैक्टर और फोलिक एसिड। उसके बाद फैक्टर ने फिर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर, तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, आयरन हो गया, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, विटामिन सी, B2, B3 और B6। तो ये टेबल आपको याद कर लेना, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, क्या डायग्राम आप देखिए, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जो प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है, जो कि क्या होती है, अलग अलग ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है ना, तो क्या करती है, डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, ये क्या बनाती है, ये कमिटेड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बनाती है, जो कि दो तरह की होती है, एक तो क्या होगी कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट और दूसरी क्या होती है लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती है वो क्या करती है, डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, लिम्फोब्लास्ट बनाती है, और लिम्फोब्लास्ट से किसका, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। वही अगर मैं बात करूँ किसकी, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, माइलॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि बात करते हैं CFU-E हो गया, CFU-M हो गया और CFU-GM हो गए। अगर मैं CFU-E की बात करता हूँ, CFU-E जो होती है वो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करती है, RBC का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग स्टेज होती है जिसको हमने डिटेल में अभी देख लिया है। प्रो एराइथ्रोसाइट सबसे पहला फॉर्मेशन होता है, प्रो एराइथ्रोसाइट का साइज थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, न्यूक्लियस आपको यहाँ पर दिखाई देता है ना। और फिर क्या हो जाएगा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की बात करते हैं तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस जो होते हैं डिसअपीयर होते हैं, उसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं कंडेंस होते जाते हैं। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है अपीयर होने लगता है। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर रेटिकुलोसाइट की बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनिक्स के रेमनेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, जाल बना देते हैं, जिसे हम क्या होते हैं, रेटिकुलम बोलते हैं। फिर रेटिकुलोसाइट से दो दिन के बाद क्या होता है मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है, जहां पर क्या होता है बाई कॉनकेविटी को अटेंड कर लेती है ये, है ना। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर CFU-M की बात करते हैं, CFU-M से क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और हमने बोला था ना कि प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है, फ्रेगमेंट्स होते हैं इस मेगा कैरियोसाइट्स के, तो मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोपोएसिस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हम थ्रोम्बोपोएसिस बोल देते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोपोएसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, है ना, या मेगा कैरियोपोएटिस बोलते हैं, या फिर थ्रोम्बोपोएसिस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है CFU-GM जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, ग्रेनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है और मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। अगर मैं ग्रेनुलोसाइट्स की बात करता हूँ, सबसे पहले स्टेज क्या होता है, माइलोब्लास्ट होता है, माइलोब्लास्ट से फिर यहाँ पर क्या होता है, प्री माइलोसाइट का फॉर्मेशन होता है। फिर प्री माइलोसाइट जो होती है वो क्या बनाती है, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट बनाती है, इओसिनोफिल माइलोसाइट बनाती है और बेसोफिल माइलोसाइट बनाती है। अगर मैं न्यूट्रोफिल माइलोसाइट की बात करता हूँ तो आगे जाकर क्या बनाती है, डिफरेंशिएट होके न्यूट्रोफिल मेटा माइलोसाइट, इओसिनोफिल माइलोसाइट की बात करते हैं तो इओसिनोफिल मेटा माइलोसाइट बनाती है, और बेसोफिल माइलोसाइट की बात करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करती है, बेसोफिल मेटा माइलोसाइट का फॉर्मेशन करती है। न्यूट्रोफिल मेटा माइलोसाइट जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन करती है। इओसिनोफिल मेटा माइलोसाइट जो होती है किसका फॉर्मेशन करती है, इओसिनोफिल का फॉर्मेशन करती है, और बेसोफिल मेटा माइलोसाइट से बेसोफिल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही जो प्रोसेस होती है कि न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होना, इओसिनोफिल का फॉर्मेशन होना, बेसोफिल का फॉर्मेशन होना, मोनोसाइट का फॉर्मेशन होना, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं ल्यूकोपोएसिस बोल देते हैं। ल्यूकोपोएसिस मतलब WBC का फॉर्मेशन होना। तो ये सारी क्या होती है, आपको स्टेप्स दिखाई देती है। अगर मान लो एग्जाम में ल्यूकोपोएसिस आए तो आप क्या करना, आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, CFU-GM से आप स्टार्ट करना, और CFU-GM से फिर माइलोब्लास्ट, है ना, अगर आपको ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन करना है तो, उसके बाद प्री माइलोसाइट, फिर क्या जाएगा न्यूट्रोफिल माइलोसाइट से फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट से फिर न्यूट्रोफिल्स का, इसी तरह से फिर इओसिनोफिल का, इसी तरह से फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है आपका, बेसोफिल का, ठीक है। और भाई अगर हम बात करें किसी मोनोसाइट का तो क्या होता है, मोनोब्लास्ट से फिर प्री मोनोसाइट से फिर मोनोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आ भी गया तो ये चार्ट जो है ना वो आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी एराइथ्रोपोएसिस मैंने डिटेल बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है, चलिए। और एराइथ्रोपोएसिस में कौन से इवेंट में क्या होता है, मतलब कौन से स्टेज में क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए,
कितना टाइम लगता है ये आपको याद होना चाहिए, सारी प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। मतलब आज मैंने जितना आपको बताया ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेट्रोस्पेक्टिव, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया है। सारे इवेंट आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज में कौन सा इवेंट होता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने हीमोपोइसिस टॉपिक जो पूरा कवर कर दिया है। अब इस चैप्टर के कितने टॉपिक बचे हैं, इस चैप्टर के एक तो बचा आपका ब्लड क्लॉटिंग, दूसरा बचा ब्लड ग्रुप, और फिर डिसीज का बचा डिसऑर्डर का एनीमिया और जॉन्डिस। तो उसको भी मैं जल्द ही आज रात में फिर एक शूट कर दूंगा मैं ब्लड ग्रुप का या तो फिर ब्लड क्लॉटिंग का। तो उसके बाद कल आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा, तो हम पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर कल से हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी का लेक्चर आपको मिल जाएगा, है ना। मतलब ये खत्म हो या नहीं हो, आपको कल इम्यूनिटी का एक लेक्चर जरूर मिल जाएगा और इसके पूरा हो जाएगा, ठीक है। तब सारी चीज़ें शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी और लेक्चर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको बढ़कर मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक मैंने 55 मिनट्स का लेक्चर ले लिया, तो इसी तरह से आप 50 या 55 मिनट के आप सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए और टेस्ट भी देते रहिए, है ना। कई लोग तो क्या करते हैं टेस्ट ही नहीं दे रहे, कल भी मैंने आज भी मैंने मतलब टेस्ट लिया था, सिर्फ यहाँ पर करीबन 12 से 15 लोगों ने टेस्ट दिया है और जबकि 70 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके टेस्ट बनाता हूँ, तो कम से कम अगर नहीं आए तब भी एक बार अटेम्प्ट करके आ जाइए, ताकि मेरे को लगता है कि नहीं यार मेरी मेहनत दिख रही है, लोग अटेम्प्ट तो कर रहे हैं कम से कम आके देख के आई, मतलब कम से कम अपेयर हो जाएगा करें टेस्ट में, ठीक है। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि पढ़ो, पढ़ के टेस्ट दो तो मज़ा भी आएगा, है ना। अगर आप ऐसे करोगे टेस्ट नहीं दोगे तो क्या मतलब, मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। बेवजह मैं यहाँ पर 2 से 3 घंटे तक आपके लिए टेस्ट बनाता हूँ तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब निकालो आप, है ना। और अच्छे से आप अगर नहीं पढ़ा तो भी टेस्ट दिया हो यार, आपको क्या हो जाएगा, थोड़े कम मार्क्स आएंगे उसमें क्या हो जाएगा, लेकिन पर दो तो सही, कम से कम रणभूमि में जाओ तो सही, है ना। पहले ही आपने हथियार त्याग दिए तो ऐसा नहीं करना आपको, है ना। कम से कम आप लड़ने तो जाओ, रणभूमि में तो जाओ, फिर हार होगी जीत होगी उसके बाद में सोचेंगे, है ना। तो इस तरह से आप क्या करना, नेक्स्ट टेस्ट जो भी लोगे ना उसमें अपेयर जरूर हो जाना, ठीक है। चलिए तो यही थोड़ी सी ज्ञान की बात बोल के मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।